वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु 10 को भरेंगे नारनौत से नामांकन। नामांकन से पूर्व होगी अनाज मंडी में विशाल जनसभा, मुख्यमंत्री सहित अनेक नेता होंगे शामिल। कैप्टन अभिमन्यु ने क्षेत्रवासियों को दिया जनसभा व नामांकन में पहुंचने का न्योता। नारनौत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु 10 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। उधर वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु का नारनौत क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान जोरों पर चल रहा है। कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौत हल्के के गांव उगालना व खेड़ा रगड़ान सहित अन्य क्षेत्रवासियों को न्योता देते हुए कहा कि 10 सितंबर को नामांकन से पहले 11 बजे नारनौत अनाज मंडी में विशाल जनसभा की जाएगी। इसके बाद जुलूस के रूप में नारनौत SDM कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, विधायक विनोद भ्याणा सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन के मौके पर व इससे पहले जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ हमारी जीत पर मुहर लगा देगी। कैप्टन अभिमन्यु ने ग्रामीणों से मिलते हुए कहा कि मंत्री रहते हुए उन द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को विरोधी भी मानते हैं। ऐसे में अब उनका ध्यान विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार दिलाने पर भी होगा और जनता भली भांति जानती है कि कैप्टन अभिमन्यु कभी झूठ नहीं बोलता, बल्कि जो कहता है वही करता है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के शासन को अभी भूली नहीं है। कांग्रेस शासन में किसानों की ज़मीनों को कौड़ियों के भाव जबरदस्ती खरीद लिया गया। योग्य व ज़रूरतमंद युवाओं की बजाय अपने चहेतों को नौकरियां दी गईं, तबादलों की मंडी लगाई गई और प्रदेश को जात पात के जहर में छोंक दिया गया। दूसरी तरफ भाजपा है जिसने हर क्षेत्र का समान विकास करते हुए अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए कार्य किए। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि इस बार अपने भाई व अपने बेटे को विजयी बनाकर क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करें।